गलत है कि इजी है लेकिन इजी नहीं है, इसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मैंने फोल्ड कर ली है। तो ये हमारी जो है कैकिंग की बोर्ड रेडी है, पीछे आ रहे मेरे ऊपर ना चढ़ा दे। तो इसमें सिर्फ हाथ नहीं थकते, टांगे भी थकती हैं इंसान की। तो आज की जो मेरी तरफ से एडवाइस कह लो, अच्छी बात कह लो, वो यही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out। आज का व्लॉग इस तरह है, अभी मैं उठा ही था सो के, तो मौसम इतना प्यारा हो गया तो मैं फटाफट बाहर निकल आया हूँ। मैं कहा मौसम इंजॉय कर ले, घर पे थे तो अभी मेरा सीन हो रहा था यहाँ पे पैरासीलिंग करने का। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ये एक्सपीरियंस भी जो है ना ट्राई किया जाए एक बार लाजिम। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, अगर आज हो सका तो ठीक है, जाके देखते हैं अगर है कोई सीन तो आज ये एक्सपीरियंस ट्राई करेंगे। आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है, होता है नहीं होता। बाकी चलते हैं, हम आ गए दूसरी साइड पे। यहाँ पे जो है जेट स्की है, बस पैरासीलिंग नहीं है, पैरासीलिंग उसने वाला उस साइड पे, दूसरी साइड पे। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, वहाँ जाके देखते हैं फिर। ओके जी, फिर से धूप निकल आई, तो पता नहीं कहाँ पे है पैरासीलिंग की साइड में, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है। ओके boy, 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 yeah, क्या सीन है यहाँ पे, पैरासीलिंग इन्होंने ख़त्म कर दी है, वो किसी और जगह पे ले गए हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमने कम आए तो हैं, कुछ ना कुछ तो करके जाना है, ऐसे तो नहीं थी ना, ऐसे नहीं होते का। तो खैर अभी जो है मैंने कैकिंग की जो है राइड ली है, तो कह रहा था कि आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है, अब लाम लाम। मैंने कहा मुझे स्विमिंग आती है, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो उसने कहा आपके पास शॉर्ट्स होनी चाहिए, मैं शॉर्ट्स में तो आया नहीं। फाइनली वो कह रहा है कि आप जाओ अपने ऑन रिस्क पर। मैंने बोला ठीक है, मसला नहीं है, मुझे सिग्नेचर ले लिया उसने, जैसे पता नहीं शार्क के अंदर मैंने जो है ना कैकिंग करनी है। खैर कैकिंग का सीन है, तो इधर जाते हैं कैकिंग की राइड करते हैं खुद से, फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस जो है ना दिखाते हैं। आई थिंक मज़ा आएगा, ठीक है। धूप ज़्यादा है, हवा चल रही है, मौसम इतना कोई वो नहीं है, जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ओके तो हम रेडी हो गए हैं, ठीक है, जैकेट पहना दी इन्होंने पर से, ये कैकिंग के लिए हम लोग जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सही है। अभी हम चलते हैं जी, ये बंदा रेडी है, मुझे आगे छोड़ के आएगा, अभी चलते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कहा था कि आपके पास शॉर्ट्स होनी चाहिए, शॉर्ट्स पहन के होगा कि आप गीले ना हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे मसला नहीं, मैंने पहनी हुई है, ठीक है। तो पैंट मैंने कहा फोल्ड कर ली है। तो ये हमारी जो है कैकिंग की बोर्ड रेडी है, और ये हमने यहाँ पे जाना है, जितना आप करीब रहोगे वो कह रहे उतना अच्छा है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो मैंने कहा भाई स्विमिंग की टेंशन नहीं है, मैं आगे तक जाऊंगा, तो व्यू चेक करें आप, व्यू मज़े का है, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। मैं आ तो गया, मुझे लग रहा था कि इजी है लेकिन इजी नहीं है, इसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। और बस मैं तो इतना भी मतलब ये नहीं कर रहा, कैकिंग नहीं कर रहा इतनी, बस हवा इतनी है कि खुद ही होती जा रही है, लेकिन भाई ये डिफ़िकल्ट है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आओ, नहीं तो आने की ज़रूरत कोई नहीं, आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, ये खुद ही होती जा रही है। भाई मैं तो थक गया हूँ भाई, बहुत ज़ोर लगता है इसमें। मौसम अच्छा है, इससे ज़्यादा इंजॉय हो रहा है, मौसम अच्छा है। नेक्स्ट टाइम जो है ना जेट स्की करनी है। उफ ये वेव्स आई हैं बहुत तेज, पूरी बोर्ड हिली है मेरी। अरे एडवेंचर एक्सपीरियंस नया करना चाहिए लाइफ में, ऐसे एक्सपीरियंस। अब देख सकते हैं कहाँ से भी कर, अरे प्रोफेशनल हो गए वहाँ पे आके, वाह। लेकिन टेक्निक आपको जब पता चल जाए ना फिर आपके लिए ईजी है, फिर आप थकोगे भी नहीं और इन्जॉय भी करोगे। अब मुझे पता चल गया तो इसलिए मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, एक हाथ से भी कर सकते हो आप।
पहले थोड़ा करके आप थोड़ा आराम से ऐसे भी कर सकते हो। तो अच्छा एक्सपीरियंस है यार, बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब। ठीक है, वो पीछे जो है पैडल बोर्ड भी थी, पैडल बोर्ड तो बहुत दफ़ा की है, ये एक्सपीरियंस नहीं किया हमने। देख रहे हैं आप, एक ये लेफ्ट का मूव करूँगा ना इस साइड पे तो राइट पे टर्न होगी, अगर राइट का करूँगा तो लेफ्ट पे टर्न होगी। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है इसकी, जो कि मैंने अभी अभी इन्वेंट खुद की है। ये देखा, ये पीछे आ रहे मेरे ऊपर ना चढ़ा दे, इसलिए हमें यहाँ से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। देख रहे, ये पीछे मेरे चढ़ा देने उन्होंने ऐसी, तो इसलिए बेहतर है हम लोग थोड़ा मूव हो जाए यहाँ से। हमारा टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, 30 मिनट के लिए दी थी हमने, तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता वापस चलते हैं। एक्सपीरियंस तो कर लिया हमने, मज़ा आ रहा है। हाय वाह, मैं तो चल ऐसे थोड़ी देर बंदा सुकून से ना बैठा रहे यहाँ पे। हाय सन बहुत लेट हो रही थी, सबसे दूर पानी में ये उधर लेके जा रही है मुझे हवा, तो हमें इसको जो है थोड़ा पुल करना पड़ेगा। देख रहे हैं लाइन है इसके उस साइड पे नहीं जाता आपने, और मैं जा रहा हूँ। तो हम इस बोट पे थे कि हमने कर लिया एंजॉय, एंड पूरी गिली हो गई भी है, बस मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा था, मौसम भी अच्छा था। जब आपको टेक्निक पता लग गई ना इसकी तो आप इंजॉय भी करोगे, थकोगे भी नहीं, मज़ा आता है। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे जेट्स की करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद पैरासेलिंग के लिए हम लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से जो है ख़त्म कर दिया हुआ है, अब पैरासेलिंग जो है किसी और साइड पर ले गए हमें, हमारे पैरासेलिंग के लिए थे, लेकिन हमारे नसीब में ये थी कि हाइकिंग करना। बस अब चलते हैं वापस, आ जाओ इधर, मेरे शूज़ पर हैं। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। बस इधर बैठ देते हैं हम लोग, सेफ्टी अच्छी होती है यार। अब हर एक को मेरी तरह स्विमिंग तो नहीं आती, तो बस इधर पैडल बोट भी है, कैकिंग भी है, और दूसरी जो बोट पे आप राइड ले सकते हो वो भी है, वो तो फ़र्क है, वो तो लेते रहता है हर कोई, लेकिन कैकिंग और जेट स्की का एक्सपीरियंस लाजमी करवा के। बस हम चलते हैं वापस घर, ठीक है, पैरासेलिंग के लिए अब हम देखेंगे कि कब जाते हैं। एंड तो मेरी ऐसे चल चल के सूखेगी जितनी धूप निकली हुई है, शूज़ मेरे हाथ में हैं, बस अब ऐसे ही चल के जाएंगे गाड़ी की तरफ। आज का व्लॉग इतना ही था, आज की वीडियो करेंगे हम लोग एंड एक अच्छी बात के साथ। तो आज की जो मेरी तरफ से एक एडवाइस कह लो, अच्छी बात कह लो, या कुछ शेयर करना कह लो, जो भी कह लो आप लोग, वो यही है कि लाइफ में आपने कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपकी अपनी लाइफ है, आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो ख़ुद से। तो बजाय किसी दूसरे का शोल्डर ढूंढने के लिए, कभी भी ऐसे हालात लाइफ में पैदा हो जाते हैं कि इंसान कहता है यार मेरे साथ ही होता है, मैं उसके साथ शेयर करता,
सबसे बड़ा लाइफ का जो ब्लफ हमें ये बताया गया, अकेले नहीं होता, कोई होता उसके साथ शेयर करता, ये वो फलां बंदा मुझे हौसला देता, फलां बंदा मुझे ये करता, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सब फजूल बातें हैं। आप अपनी ज़ात के लिए बहुत होते हो, आपका अपना शोल्डर इनफ है आपके लिए। तो लाइफ में कभी भी ऐसे हालात सिचुएशन पैदा हो जाए तो बजाय किसी दूसरे का शोल्डर ढूंढने के लिए अल्लाह से शेयर करो सब कुछ, अपना शोल्डर इनफ होता है। तो बस मेरी तरफ से एडवाइस एक अच्छी बात यही है। वेलकम वेलकम वेलकम, आई लव पाकिस्तान। मे बी आफ्टर 2 मंथ्स टुडे नॉट टुमॉरो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। बस आया वो ना काफ़ी टाइम से मेरे, मैं देख रहा था, मुझे काफ़ी टाइम में देख रहा था, तो जैसे ही मैंने कैमरा या मोबाइल बंद किया था तो वो आ गया मेरे पास, तो आके मुझसे पूछने लगा, कहता आपके पिक्चर चाहिए। मैंने बोला पिक्चर मेरे साथ चाहिए, तो हाँ मैं हैरान, मैंने बोला पता नहीं क्यों पिक्चर मांग रहा है मेरे साथ ऐसे। कुवैत से था, कह रहा था आप कभी कुवैत आएँ आपको मैं इन्विटेशन देता हूँ। काफ़ी रिस्पेक्टफुल लड़का था, तो खैर ये वो नंबर मेरा ले लिया उसने, कहता आप कभी भी कुवैत अगर आते हो तो आप मुझे बताना, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊंगा कुवैत, आप वेलकम हो हमारी तरफ से। कहता कल नहीं परसों नहीं, आप आज से वेलकम हो। तो काफ़ी अच्छी उसने बात की, और वहीं पे खड़ा था, कहता नहीं मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं जाऊंगा यहाँ से। यही करते हैं आज का वीडियो एंड, आप लोगों को मिलेंगे एक अच्छी नई बेहतर वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।